लो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ फेरी टेल का एक नया एपिसोड, एपिसोड नंबर 40, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाकर फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तब वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हो, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के पहले सीन में हमें द हेवन ऑफ टावर को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से क्रिस्टल का बच चुका होता है। नाथसू उसके सामने खड़ा होता है और फाइट करने के लिए रेडी होता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा हमला करूंगा जिससे तुम एक बार में ही खत्म हो जाओगे बुद्धू। जिसके बाद वो उस पर हमला करता है, लेकिन नाथसू हमारा चालाकी दिखाता है और उस पर उस अटैक को रोक लेता है। पहले तो ऐसा लगता है कि नाथसू उस अटैक को नहीं झेल पाएगा। तभी राजा को दिखाया जाता है, जो कि वो खड़े होकर उठ के देखती है और वो कहती है, एल जलाल तुम ऐसा मत करो। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है नाथसू को, जो कि उस हमले को पूरा तरह से डॉच करके उसकी तरफ भागना चालू करता है और बोलता है, रुक जा साले, तेरी कान फाड़ता हूँ, रुक जा। यहाँ पास से वो फिर से अपना एक अटैक बनाने लगता है। नाथसू अपना अटैक वहीं पर शूट कर देता है उसके सामने। यहाँ पास से वो उस अटैक को देखते ही रह जाता है और वो अटैक काफ़ी बड़ी तबाही मचा देता है। यहाँ पास से नाथसू को दिखाया जाता है, जो कि उस हमले को कर चुका होता है और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है इस अटैक के बाद। यहाँ पास से निराजा देखती है और खुश होती है कि नाथसू ने उसे अभी फिर से डिफीट किया है। थोड़ा सा नाथसू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि मैंने तुम्हें डिफीट कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी वो कहता है, बेवकूफ़ तुम अभी हारे जीते नहीं हो, मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। तभी उसके पेट पर काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। राजा ये देखकर बोलती है कि नाथसू तुम ऐसा मत करो। यहाँ पास से वो बोलता है, रुक जा साले, मैं तेरे लिए बड़ा अटैक बनाता हूँ। जिसके बाद वो ब्लैक होल जैसा कोई बड़ा अटैक बनाता है। पहले तो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो लोग झेल ही नहीं पाते, पीछे की तरफ खिसकना चालू हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो दिखाया जाता है कि नाथसू पर वो हमला पूरी तरह से रेडी होकर शूट होने वाला ही होता है। यहाँ पास से एराजा उनके सामने आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि उसकी जान बचाने के लिए एराजा उसके सामने आ गई अपनी जान की बिना परवाह किए हुए। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है उसे और कहते हैं कि तुम उसे बचाने के लिए आए हो। आई मीन जलाल आता है सामने और कहता है कि तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो, मैं उसे एक झटके में ही ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पास से वो ब्लैक होल पूरी तरह से रेडी हो चुका होता है और हमें एराजा को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है हम दोस्त हैं और दोस्त कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं और हाथ भी नहीं। यहाँ पास से वो उस अटैक को शूट कर देता है और वो अटैक उसकी तरफ बढ़ना चालू हो जाता है। लेकिन तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि उस अटैक को रोक लेता है अपनी शील्ड से और वो कोई और नहीं साइमन होता है। यहाँ पास से सभी लोग को दिखाया जाता है, जो कि देखते हैं कि वहाँ पर भी फाइट चल रही है, इसका मतलब सभी लोग जिंदा हैं। तभी हमें दिखाया जाता है साइमन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है और वह कहता है राजा। यहाँ पास से राजा को वही सीन याद आता है जब वो छोटी थी और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आया था, फेरी टेल का मेंबर, बचा ली गई थी। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है एराजा को, क्योंकि एराजा वापस से अपने विजन से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पास से साइमन को देखती है और वो साइमन की तरफ दौड़ती है उसे उठाने के लिए। तभी साइमन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है गुड बाय मेरी फ्रेंड, और ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगता है। यहाँ पास से वो उसे बचपन वाली दिखाई देने लगती है एराजा, यानी कि वही बचपन वाली एराजा जो कि कभी मुस्कुराया करती थी छोटे में, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। लेकिन आज वो उसे देखता है और कहता है गुड बाय एराजा, गुड बाय। जिसके बाद वो वहीं पर दम तोड़ देता है रोते रोते। ये देखकर एराजा काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है और रो रही होती है। यहाँ पास से उसका दुख देखा जा सकता है। खैर, यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है जलाल को, जो कि काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है उसके इमोशंस पर। वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो जो इन सब की चिंता किए जा रही हो, को एक एक करके ख़त्म कर दूंगा, तो तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तभी नाथसू आता है और उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है। ये पंच खाने के बाद वो काफ़ी दूर जाके गिरता है और वो उठता है। यहाँ पे हमें नाथसू को दिखाया जाता है, जो कि एक पत्थर को उठाता है, मीन उसी क्रिस्टल को उठाता है और खा लेता है। यहाँ पास से उस क्रिस्टल को खाने की वजह से उसकी ताकत 3 से 4 गुनी ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल फॉर्म से, और वो एक अच्छा ड्रैगन स्लेयर वाले फॉर्म पे आ जाता है। यहाँ पास से वो सारी पावर उसके अंदर समाने लगती है और दिखाया जाता है कि वो एक पंच में ही वो काफ़ी दूर तक का हमला कर सकता है। यहाँ लेकिन उसके गले पे जाके वो अटकने लगता है पत्थर और वो काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा होता है। एराजा बोलती है कि नाथसू ऐसा मत करो, तुम्हें उस पत्थर को उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे मिलकर हरा सकते हैं।
नानसू काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में लग रहा होता है उस चीज़ को खाने के बाद। यहाँ पास से वो गला पकड़ के बैठा होता है। वो बोलता है रुक जा अभी तो तेरी फाड़ता हूँ। तभी ड्रैगन की स्लेयर वाले फॉर्म में आ जाता है नात्सु और कहता है तुझे तो मैं ख़त्म कर दूंगा। ये कहते ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो जाता है उस पर एक ज़बरदस्त किक मारता है और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है उस किक के बाद से। यहाँ पास से वो उसका सर पकड़ता है और कई फ्लोर्स नीचे उसको लेके जाता होता है। तभी बोलता है कॉन्स्टेलेशंस और इसके बाद वो काफ़ी ऊपर उड़ता है, लेकिन नात्सु फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और एक ज़बरदस्त पंच आके उसके पेट में मार देता है। ये देखकर इरादा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि नात्सु ने फिर एक बार हमला कर दिया उस पर जो कि इतना तेज़ है। यहाँ पास से वो हमला करने के लिए नात्सु की तरफ बढ़ता है और वो कहता है कि तुम क्या जानो बेवकूफ़, मैं जब छोटा था मेरे साथ क्या हुआ, मेरी तकलीफ़ों को कोई नहीं देखता, सिर्फ एराजा 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 ही किया जा रहा है जब से। यहाँ पास से नात्सु को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रैगन फॉर्म में होता है और वो उस पर कॉन्स्टेलेशन वाला हमला कर देता है फिर से। यहाँ पास से नात्सु सारे अटैक्स को रोक रहा होता है और कहता है कि तुम वो तुम्हारी गलती थी ना कि एराजा की, जो तुम उसको मारने पे तुले हुए हो। ये बात सुनता है लेकिन उसके बाद वो फिर से अपना मैजिक करने की कोशिश करता है लेकिन नात्सु उस मैजिक को एक पंच में ही तोड़ देता है। नात्सु बोलता है कि अब तुम नहीं बच सकते हो, जिसके बाद नात्सु अपना एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है जो कि उस पर डायरेक्टली हिट करने वाला होता है। यहाँ पास से वो बच लेता है लेकिन नात्सु उसे एक पंच में ही उड़ा देता है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है कि वो बॉल यानी कि जिसके अंदर जूविया ने बना के रखा होता है, वो सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में होते हैं कि नात्सु और बाकी लोग कैसे होंगे। लाल को दिखाया जाता है जो कि पड़ा होता है वहीं पर मार खाने के बाद। नात्सु को दिखाया जाता है जो कि वही नीचे उतरता है ज़मीन पर और लूसी एराजा उसकी तरफ देखती है और कहती है नात्सु। तभी नात्सु को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रैगन स्लेयर फॉर्म में होता है। ये देखकर एराजा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो मुस्कुराता है एराजा की तरफ देखकर। एराजा भी थोड़ी खुश हो जाती है कि वो अभी भी ठीक है, लेकिन वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और गिरने वाला होता है। तभी एराजा आती है उसे गले लगा लेती है। मैंने कहा था कि इतने जल्द लोग गले मत लगा। खैर यहाँ पास से मेरी सुनता कौन है। खैर यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग वहाँ पर खड़े हैं और वो सभी लोग देखते हैं कि एक्सप्लोड हो चुका है। हैप्पी बोलता है नात्सु तुम मुझे छोड़कर अभी नहीं जा सकते हो, अभी तो तुम्हें और भरोसा खैर जान दो। नगरे बोलता है कि बाकी सब लोग ठीक हो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तभी हमें राजा को दिखाया जाता है जो कि उस जगह से लेकर जा रही होती है और साइमन की तरफ देखती है। साइमन उसकी लाश वहाँ से नीचे की तरफ गिर जाती है और वो कहती है सॉरी साइमन मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। ये देखकर साइमन भी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वो हंसते हंसते मर रहा है, जिसके बाद वो नीचे तरफ चला जाता है। यहाँ पास से एराजा नात्सु को लेकर वहाँ से जंप लगाती है और कूद कूद कर इधर से उधर भागने लगती है क्योंकि अगर वो एनर्जी ब्लास्ट उस पर लग जाती तो वो गिर सकती थी, और कुछ देर बाद वो थक के वहीं पर गिर बैठ जाती है। यहाँ पास से वो बोलती है कि मैं अगर यहाँ पास से नात्सु को ना बचा सकी तो फिर मेरी ज़िंदगी पर थू है, वैसे भी तेरी ज़िंदगी पर थू ही है। खैर तभी उसे याद आता है कि जब जलाल ने उसकी बॉडी पर वो मार्क्स दिए थे और वो उसे पानी के अंदर भेज रहा था, आई मीन उसी क्रिस्टल के अंदर उसे कैद करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि अगर मैं इस क्रिस्टल के अंदर कैद हो जाऊं तो सभी लोग की जान बचाई जा सकती है। वो दिखाया जाता है जो कि वहीं पर बेहोश पड़ा होता है। एराजा अपना हाथ पानी के अंदर डाल चुकी होती है, आई मीन उसी क्रिस्टल के अंदर। तभी नात्सु उठता है और कहता है ना एराजा तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, जिसके बाद वो अपनी बॉडी को पूरी तरह अंदर डाल लेती है। यहाँ पास से नात्सु दौड़ता है उसकी तरफ उसे रोकने के लिए, लेकिन तब तक वो अपना आधा बॉडी डाल चुकी होती है उस क्रिस्टल के अंदर, और वो उसके पास जब तक पहुँचता है वो अपनी आधी से ज़्यादा बॉडी पूरी तरह से डाल चुकी होती है। तभी वो उसके गाल पर हाथ फेरती है और कहती है नात्सु तुम ही अब मेरी जगह लोगे, तुम सभी को संभाल लोगे, मुझे भरोसा है ऐसा। लूसी को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। पास से ग्रे को भी दिखाया जाता है और जूविया को जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और रो रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एराजा को जो कि वो दुखी थी लेकिन खुश भी थी कि उसने नात्सु की जान बचा ली। यहाँ पास से नात्सु से बाहर खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो बोलती है अब रोकने की ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद वो उसी के अंदर चली जाती है हंसते हंसते कट गए रस्ते। खैर यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है नात्सु को जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। तभी हर जगह से एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही होती है और एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोड होता है, जहाँ पास से नात्सु भी उसी के अंदर लगता है चपेट में आ गया है। खैर अब हमें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा कि नात्सु चपेट में आया कि नहीं आया।
लेकिन ये बॉल जिसके अंदर ये लोग खड़े थे उसकी रोशनी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और यहाँ पे सारे एसोसिएशंस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जा चुके होते हैं। और भी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन उनकी जो बॉल होती है वाटर बॉल वो काफ़ी दूर जाके गिर चुकी होती है। लूसी काफ़ी उसे चिल्लाती है, नात्सू एराजा, लेकिन कोई नहीं आता। यहाँ पास से हमें मास्टर्स को दिखाया जाता है जो कि पहली बार लेके आए होते हैं एराजा को, मैं मतलब अपनी फ्रेंड के पास, और वो उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसके बाद वो उसकी मरहम पट्टी करती है, जिसके बाद वो किताब पढ़ने बैठती है और वो कहती है ठीक है अब तुम लोग ठीक हो, जिसके बाद वो उसके कुछ मैजिक स्पेल से सिखाने की कोशिश करती है। ये सारी कुछ सोच रही होती है जूवी एराजा अपने माइंड के अंदर। और ये सीन यहीं पर कट होता है। एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।